नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में अवैध डग्गा मार बसों का जमावड़ा लगातार रहता है और अन्य राज्यों में सवारियों को बिठाकर ले जाते हैं। वहीं जनपद बलरामपुर श्रावस्ती के सवारियों को बिठाकर दो डग्गा मार बसें अन्य राज्यों में जा रही थी और इकौना के पास पहुंचते ही इकौना पुलिस ने बसों को अपने कब्जे में ले लिया, इसके बाद सीज कर दिया, जिससे बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। सरकार विद्युत चोरी को रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है। आवास हुए सरकारी ऑफिस सभी जगहों पर डिजिटल मीटर लगवा दिया गया है, जिससे विद्युत चोरी को रोका जा सके, लेकिन सरकार विद्युत चोरी को रोकने में असफल रही है। अभी भी विद्युत चोरी रुक नहीं रहा है, जिससे सरकार द्वारा ट्रांसफर पर भी एक विशेष मीटर को लगवा दिया गया है, जिससे कि चोरी रोकी जा सके। बिजनौर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिविल लाइन स्थित मामचंद सुरेल कुमार पेट्रोल पंप के मालिक प्रतीक जैन और उनकी पत्नी ने पर्यावरण दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहन स्वामियों को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उनको जागरूक किया। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिक प्रतीक जैन और उनका परिवार ने वाहन स्वामियों को पौधा वितरण कर कहा कि अपने घरों पर पौधा लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का कन्नौज में विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध फिल्म में राजा जयचंद के गद्दार वाले किरदार को लेकर है। विरोध की रणनीति बनाने के लिए यहाँ के म्यूजियम में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कन्याकुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति का कहना है कि कानूनी लड़ाई से लेकर सड़क तक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का विरोध किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हमें पूरी फिल्म से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से कन्नौज पर फिल्म में गद्दारी का दाग लगाया है, उसे फिल्म से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हर स्तर से फिल्म का विरोध करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज के जो फिल्म आई है उसमें कन्नौज के महाराजा सम्राट जयचंद की जो खलनायक के रूप में भूमिका दिखाई गई है वो हम कन्नौज वासियों को बर्दाश्त नहीं। महाराजा जयचंद वीर और साहसी थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। अगर सच में पूछा जाए तो पृथ्वीराज की एक गलती से हम 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे और उसके बाद पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है वो उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि क्या लिखेगा? फरुखाबाद में गैस टैंकर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक घंटे तक गैस टैंकर में आग लगी रही। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मथुरा से फरुखाबाद ही गैस टैंकर आ रहा था। गैस टैंकर के लीकेज रोकने के इंडियन कंपनी कर्मी मौके पर पहुंचे। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला। बरेली के थाना कोतवाली से विश्व पर्यावरण दिवस पर होमगार्ड के जवानों ने एक जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली को जिला कमांडेंट प्रीति शर्मा कोतवाल हिमांशु निगम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये जागरूकता रैली कोतवाली से शुरू होकर नावल्टी चौराहे, रोडवेज, शिकलापुर चौराहा, कालीबाड़ी, शमतगंज चौराहा, विकास भवन, गांधी उद्यान, प्रभा टॉकीज, चौकी चौराहा, अयूब खां चौराहा होते हुए कोतवाली पर समापन हुआ है। इस जागरूकता रैली में सैकड़ों होमगार्ड्स ने भाग लिया। जिला कमांडर प्रीति शर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। हमारा प्रत्येक होमगार्ड एक पेड़ अपने घर पर या बागीचे में जहाँ भी हो सके ज़रूर लगाए और उसका देखभाल करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दीक्षांत परेड समारोह शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रशिक्षण के लिए आए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 704 नव आरक्षियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक कुलदीप सिंह ने सभी नव आरक्षियों को देश की सेवा के लिए शपथ दिलाई। पासिंग आउट परेड था यहाँ पर और इस पासिंग आउट परेड के दौरान आपने देखा कितनी अच्छी तरह की उच्च कोटि की एक परेड का प्रदर्शन किया गया और लड़कों की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर हुई है।
इसके पहले भी मैं 3 साल पहले यहाँ पर आया था तो उस वक्त ये सेंटर भी उतना अच्छे से विकसित नहीं हुआ था। आज बहुत हरियाली इसमें काफ़ी अच्छी हो गई, बड़ी ऊसर ज़मीन है आप लोग सब जानते हैं, फिर भी इनके सबकी मेहनत की वजह से ये एक रहने लायक जगह बन गई है और बहुत अच्छी जगह बन गई है। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। आपने देखा होगा कि सारे ही बच्चे एक ही साइज़ के थे और बड़ी अच्छी परेड की उन्होंने, और उसके बाद जो कार्य कुशलता और अपने शरीर स्वास्थ्य का प्रदर्शन यहाँ पर किया इन्होंने अभी पीटी के दौरान या फिर कोबरा कमांडो के ड्रेस में जो बाकी एक्शन किए वो सब देख करके आपको भी ये अनुभव हुआ होगा कि एक जो साधारण से युवक के रूप में CRPF में आए थे आज कितने प्रशिक्षित होकर के देश की सेवा करने को तत्पर हैं। हरदोई के जिला कारागार में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कारागार में निरुद्ध पुरुष और महिला बंदियों की मदद से पौधारोपण किया गया। जेलर संजय सिंह ने बताया कि कारागार मंत्री के निर्देशन में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 75 पेड़ लगाए गए हैं। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जिला कारागार में जो है 75 वृक्षों का को लगाया गया है कारागार के बंदियों द्वारा। कल माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर सिंह प्रजापति द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में एक अभियान चला कर वृक्षारोपण कराया जाए, तो उसी के अनुक्रम में हमने, क्योंकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है, तो 75 वृक्षों का वृक्षारोपण बंदियों के माध्यम से आज कराया है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण संगठन जो है हमारा यहाँ का, उनके सहयोग से वृक्ष प्रदान किए गए हैं और बाकी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। अमरोहा के नौगावा सादत निवासी भाजपा नेता आफताब अडवाणी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादत कस्बे के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब अडवाणी ने राकेश टिकैत के द्वारा औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाने के मामले पर निशाना साधा और कहा कि औरंगजेब राकेश टिकैत के पूर्वजों का कातिल है, शायद मुझे भूल गए। उन्होंने राकेश टिकैत को नसीहत दी और उन पर निशाना साधा। औरंगजेब के मजार पर फूल चढ़ाने से पहले आपने ये सोचा कि आप ही के पूर्वजों का हत्यारा औरंगजेब है और कोई नहीं है। आपके पूर्वजों को औरंगजेब द्वारा कुचल कुचल के मारा गया था, क्या ये आपको पता है या नहीं पता राकेश टिकैत जी? या इतना ही सेकुलर बन रहे हैं तो कभी अब्दुल कलाम जी की खबर पर आप गए? आपने कभी अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई? ये बताइएगा, देश जानना चाहता है। मैं थूकता हूं ऐसी सोच पर और ऐसी घटिया सियासत पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास यादव, दुर्गेश बजाज, दीपक सिंह, मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नजर आए। उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के गंगोत्री नेशनल पार्क के तमाम वन विभाग के कर्मचारी और गंगोत्री 5 मंदिर समिति और धाम के सभी व्यापारियों ने नेशनल पार्क गंगोत्री में देवदार के पौधे लगाए और वहीं गंगोत्री धाम में सफाई अभियान भी किया। यात्रियों से भी पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग नेशनल पार्क गंगोत्री ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग गंगोत्री घाट में और गंगोत्री मंदिर की सफाई कर रहे हैं। घाट के अंदर जो भी कूड़ा करकट प्लास्टिक से संबंधित कोई भी सामान हो उसको साफ करके कूड़ादान में डाल रहे हैं तथा सभी यात्रीगणों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग न करें। धन्यवाद। पर बोले गंगा मैया की जय। आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर आज 5 जून को हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और माँ भगवती का पूरा जो गौमुख से लेकर जो हमारा प्रयास है अभी जो अभी आज के दिन हो रहा है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गौमुख से लेकर पूरी गंगोत्री की जो सफाई करी जाती है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सारा फॉरेस्ट आज बचा हुआ है, जितनी आज ऑक्सीजन मिली है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास तौर पर फॉरेस्ट विभाग को और यहाँ के अपने जो हमारे नागरिक हैं, हम लोग जो हैं जो पर्यावरण को बचा के रखे हुए हैं और इन्हीं से सारी प्रकृति को गैस ऑक्सीजन मिलती है।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर जिले में नगर निकायों ग्राम पंचायतों सहित चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर विधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित विभिन्न महिला संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरे जिले में पौधारोपण और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर सिद्धार्थनगर जिला कारागार में नव कुंडिया महायज्ञ का आयोजन किया गया। नव कुंडिया महायज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार और विश्व हिंदू महासंघ ने किया। आपको बता दें कि आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा स्लोगन के तहत किए गए इस आयोजन में जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी, जेलर राजेश पांडे, डिप्टी जेलर प्रदीप सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिला बंदियों ने हिस्सा लिया। जेल में सुधारात्मक कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और माननीय कारागार मंत्री की प्रेरणा से जेल में गायत्री मंत्र का आयोजन हो रहा है। लगातार यहाँ पे सत्संग हो रहे हैं इस तरह के, इसलिए इन सभी के क्रम में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर में नौकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। और ये कार्यक्रम जैसे सुधारात्मक कार्यक्रम संचालन में अनिश अवस्थी सर और हमारे डीजी आनंद कुमार सर का काफ़ी योगदान है इसमें, और लगातार ये अन्य कारागारों में भी जारी है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस को बंदियों के बीच में इसलिए मनाना फैसला बहन ने किया कि इनके बीच में आने के बाद यह लगता है कि हमारा कोई भाई जो मेरा हाथ था किसी कारणवश, किसी भी समस्यावश वह एक अपराध के श्रेणी में आ गया है, तो उनको एक अवसर दिया जाए कि वह कहीं भी मेरे पुनः शरीर से जुड़ सके, मेरे अंग बन सके। इसीलिए मैंने इस बैनर पे एक स्लोगन भी दिया। जौनपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल और उनके समर्थकों ने भगवान शिव का दूधाभिषेक कर सीएम योगी जी की लंबी उम्र की कामना की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।